गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड बोरॉन फैमिली ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन विच बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम आर प्रेजेंट एंड व्हाट इज देयर स्टेट एंड अबंडेंस इन द नेचर इन द एटमॉस्फियर. टुडे द एटॉमिक प्रॉपर्टीज हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर NH2NP1. बोरॉन फैमिली या पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो बोरॉन फैमिली है, इस बोरॉन फैमिली का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, NH2NP1. इट मीन्स आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज इन टू पी सब सेल एंड द इनर मोस्ट यस ऑर्बिटल यस सब सेल इज कम्प्लीटली फुलफिल्ड. NH2NP1 द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल दैट इज 3. सो इट इज प्लेस इन टू द थर्ड ए सब ग्रुप एंड 13 ग्रुप. फर्स्ट बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1. ओके एंड एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. गैलियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1. लाइक दैट इंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1. एंड लाइक दैट थैलियम ऑल्सो हैव 6s2 6p1. इन ऑल दीज एलिमेंट्स वी कैन सी दैट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज NH2NP1. ओनली द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज ड्यू टू ऑल ऑफ सडन चेंज इन द एटॉमिक नंबर. एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल चेंज. लाइक बोरॉन द नंबर ऑफ सेल सेकेंड 2s and 2p, बट इन द एल्युमिनियम 3s 3p, इन द गैलियम 4s 4p, इन द इंडियम 5s 5p. ओके सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द बोरॉन फैमिली NH2NP1 एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल दैट इज वैलेंस सेल इज 3. सेकेंड प्रॉपर्टीज दैट इज एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. एज यू रीड इन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एटॉमिक रेडियाई ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज. ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं. क्यों इंक्रीज करते हैं, ड्यू टू ऑल ऑफ सडन चेंज इन द एटॉमिक नंबर. क्योंकि एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में ऑल ऑफ सडन चेंज होता है, अचानक चेंज होता है. लाइक बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 एंड एल्युमिनियम 13, देयर इज डिफरेंस ऑफ 8, बट इन एल्युमिनियम टू गैलियम 31, लार्ज डिफरेंस बिटवीन एल्युमिनियम एंड गैलियम एटॉमिक नंबर एंड ऑल्सो गैलियम टू इंडियम. ऑल ऑफ सडन चेंज इन द एटॉमिक नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. सो व्हेन द ऑल ऑफ सडन चेंज इन द एटॉमिक नंबर देन द नंबर ऑफ सेल, सो द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज. इसीलिए नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज करता है. हेंस एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बट एक्सेप्शन ऑफ दिस बोरॉन फैमिली
एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्युमिनियम। गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियाई होती है, वो एल्युमिनियम के एटॉमिक रेडियाई से क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है? ड्यू टू द वेरिएशन इन द इनर कोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जो उसका इनर मोस्ट सेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन होता है, उसमें वेरिएशन होने से एटॉमिक रेडियाई गैलियम की कम होती है, किससे? एल्युमिनियम से। बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, ओके? और जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू वेरिएशन इन द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्युमिनियम, ओके? इफ यू राइट द ऑर्डर, यदि हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो इसका ऑर्डर क्या होगा? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। आप कहेंगे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो ये ऑर्डर होना चाहिए ना? लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? बोरान से गैलियम, तब क्या होगा? एल्युमिनियम, देन इंडियम, एंड एट लास्ट थैलियम, ओके? सो इट इज द चेंज, यस, बोरान लेस देन गैलियम, गैलियम लेस देन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम लेस देन इंडियम, एंड इंडियम लेस देन थैलियम। मींस थैलियम का सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई होगा और बोरान का सबसे कम, लेकिन बोरान के बाद किसका होगा? गैलियम का। गैलियम का एल्युमिनियम से कम क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसका इनर मोस्ट सेल क्या होता है? वेरिएशन शो करता है। किसके लिए वेरिएशन शो करता है? वेरिएशन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में, कहीं पे कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, कहीं पे हाफ फिल्ड होते हैं, क्योंकि इसके 10d इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इसमें वेरिएशन आता है, ओके? ओके, नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज बिकॉज एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज, बिकॉज एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज। बट देयर आर सम एक्सेप्शन इन द आयनाइजेशन एंथैल्पीज वैल्यू बिटवीन एल्युमिनियम एंड गैलियम एंड बिटवीन इंडियम एंड थैलियम। एज यू नो दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियाई। अगर आपका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम, ये अगर आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है। और वही लिखा गया, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज बिकॉज एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज। बट देयर आर सम एक्सेप्शन, लेकिन इस बोरान फैमिली में कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि एल्युमिनियम और गैलियम में एक्सेप्शन है, और इंडियम और थैलियम में। क्यों है? आर ड्यू टू द इन एबिलिटी ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन विच हैव लो स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्योंकि इसमें डी और एफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होते हैं, और जिसकी वजह से टू कम्पेंसेट द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाना चाहते हैं, और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने से इनके जो ट्रेंड हैं
आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है गैलियम का एल्यूमिनियम से और थैलियम का इंडियम से। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लेस देन दैट ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड इज लेस देन दैट ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट एंड सेकेंड। इफ वी टॉक अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स देन द सम ऑफ द टोटल आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एलिमेंट इज वेरी हाई। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एलिमेंट इज वेरी हाई। हम कह सकते हैं कि उस एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इन तीनों फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का क्या होगा, सम होगा, योग होगा। समझ में आया? अब अगर यहाँ पे ऑर्डर की हम बात करें तो हम जनरली जानते हैं टॉप टू बॉटम जानेब डिक्रीज करता है, बोरान टू एल्युमिनियम टू गैलियम टू इंडियम एंड थैलियम। बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, यही ऑर्डर होता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ये नहीं होगा, यहाँ पे बोरान बोरान लेस देन गैलियम एंड गैलियम लेस देन तब एल्युमिनियम होगा और फिर क्या होगा, थैलियम और थैलियम के बाद इंडियम का होगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम क्यों होता है? क्योंकि इनएबिलिटी होती है, अयोग्यता होती है, डी और एफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए नहीं जाते। ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स द लो स्क्रीनिंग इफेक्ट विच इंक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर गैलियम हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन एल्युमिनियम एंड थैलियम हैव मोर देन इंडियम। द लास्ट एटॉमिक प्रॉपर्टीज दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज वी टॉक अबाउट अर्लियर इन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। इट मीन्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज, बट इन द बोरान फैमिली द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेज फ्रॉम बोरान टू एल्युमिनियम देन इंक्रीजेज मार्जिनली, और फिर एल्युमिनियम से क्या करता है, धीमे धीमे बढ़ने लगता है क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड। बोरान टू एल्युमिनियम इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, और फिर गैलियम इंडियम थैलियम जाके क्या करने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। समझ में आया? ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीजन, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बोरान टू एल्युमिनियम डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज मार्जिनली स्लाइटली, धीमे धीमे बढ़ने लगता है। ड्यू टू द डिस्क्रिपेंसी इन द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट, ड्यू टू द चेंज इन द एटॉमिक साइज, बिकॉज यू नो देयर इज चेंज इन द एटॉमिक साइज, गैलियम हैव लेस एटॉमिक साइज देन एल्युमिनियम, सो द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फर्स्ट बोरान टू एल्युमिनियम डिक्रीजेज देन गैलियम टू थैलियम इंक्रीजेज। ओके, इट इज ऑल अबाउट योर एटॉमिक प्रॉपर्टी। नाउ वी टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी।